Hey guys, welcome back to our channel Delhi Into Insta. We hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो guys, हम सुनो चंद्र ड्रामे के एपिसोड 17 पर रिएक्शन दे रहे हैं। तो जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए guys, जल्दी से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, साथ में देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इनसे कहो अपनी मनहूस शक्लें गुम करें मेरे सामने से। बीजान, हमारा क्या कसूर है? तुम बहन नहीं डायन हो, डायन। दोनों भाइयों में फसाद करवा के खुद फायदा उठाना चाह रही हो। बीजान, ये आप हमारे साथ ज्यादती करते हैं। खान साहब, आप तो बीच में ना ही बोले तो अच्छा है। ये हमारे घर का मामला है, आपकी दखल अंदाजी की जरूरत नहीं हमें। हम तो इस घर का ये जब बोलता है ना, सही लगता है। इस मामले में मैं तो अपनी खाला जान के साथ, आप ही चुप हो जाए ना प्लीज। अब ये वक्त लिया है, क्या मुतालबा है उनके? बीजन, आपको अब्बा इफ्तारी के लिए बुला रहे हैं। अपने बाप से जाकर कह दो कि मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है। और अरसल, तुम तो नहायत ही बेकार और ठीट इंसान हो। मैंने क्या किया बीजन? हे जिया, तुम्हारी बीवी है, निकाह हुआ है तुम्हारा उससे, अपने माँ बाप की बातों में आकर उसको तलाक दे रहे हो तुम? सोच समझ के फैसला करो बेटा, बाद में पछताओगे तुम। अब बड़े हुए कोई सोचकर एक फैसला किया होगा बीजान। हाँ, बहुत अच्छी तरह से मैं जानती हूँ कि कितना सोचा होगा उन्होंने, कितनी सलाहियत है उनमें सोचने की, ऐसे बेतुके फैसले करने के लिए। चलो अच्छा, आप इफ्तारी तो हो रहा है। मुझे नहीं जरूरत तुम लोगों की इफ्तारी की, जो मन सलवा तुमने मुझे खिलाना, मैंने अपना इंतजाम कर लिया है। बीजान आगा जी, मैं आप लोगों के लिए इफ्तारी लेके आया। शुक्रिया बेटा, बिलो निकाल के लाओ, यही ले आना। निकाल के लाओ, यही ले आना। इधर इफ्तारी कर लेते हैं। क्या आदमी है यार ये। डाले हलीम आगे करें। मैं डाइट पे। ये पास करेगा। हलीम का डोंगा किधर गया? ये लेना, खाए ना पकौड़े। हलीम नहीं खाई आपने? नहीं नहीं, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं इसलिए नहीं खा रहा। समोसे। अच्छा दे दो। क्या यार, दवाई खा लेना इसके बाद। ये क्या तरीका है यार, कैसे मजेदार समोसे बनाए थे मैंने, खत्म ही होके रह गए हैं। सारे खाए तूने अरसल? हाँ माँ, बहुत अच्छे थे, मैं तो बहुत खाए। लोग ना पैकेट वाली हलीम बनाते हैं, मैंने सारी रात चूल्हे पर चढ़ा कर रखी है। क्या बात, तभी तो इतनी मजे की बनी है। ये मार कर रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया। बोलो बोलो जी, आपने एक बात नोट किया? क्या बात? ये बाबा और भाभी के दरमियान दोबारा लोग कनेक्शन चालू हो गया है। देखो कैसा बैठकर मोहब्बत से इफ्तारी कर रहा है, गिटमिट गिटमिट कर रहा है। हमको तो बहुत हंसी आ रही है। आप ना अपनी इस हंसी को जरा दबा के रखिए जलाल जी, खबरदार जो हमारी खाला जान के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो। हमारे माँ बाप का तो हम आपकी खाला जान की शान में कोई गुस्ताखी करे तो। वैसे हम सोच रहे हैं कि हम भी आपके साथ कहीं इफ्तारी करें बाहर जाकर। हाँ
सरकवा मणि सरकवा सोचेंगे प्यारी लड़की जल्दी खाओ प्यारी लड़की जल्दी करो इधर लगता है कितना खुश होता है अगर ये बुजुर्ग औरत और मर्द आपस में गिटमिट कर सकता है हम तो अभी जवान है जिया तुम्हारी बीवी है निकाह हुआ है तुम्हारा उससे अपने माँ बाप की बातों में आकर उसको तलाक दे रहे हो तुम सोच समझ के फैसला करो बेटा बाद में पछताओगे तुम तुम्हारे लिए गर्म गर्म हलीम लेकर आई हूँ तुम्हें भी तो कहा था वो मम्मी जी के हाथ के समोसा लेकर आना लेकर आए फिलहाल तुम यहाँ से फूटो घर का माहौल बहुत गर्म है अस्तग़फ़िरुल्लाह कितने बुज़दिल हो तुम अरसर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तुम जैसे बुज़दिल इंसान से मोहब्बत है क्योंकि अगर तुम जैसे बुज़दिल महबूब होते ना मेरे तो मैंने उसी वक्त गोली मार देनी थी क्या हुआ है तुमने बीजान की बातें सुनी थी आज खुदा का वास्ता है सर बीजान की बातों को सीरियसली ना लो यार ऐसे ही वो आजकल ना मलका जज्बात बनी हुई घूम रही है और अल्लाह अल्लाह करके तो ये दिन आए हैं जिनका हमें सब इंतजार था वैसे क्या कुछ थी किया हमने इस दिन के लिए आए खुदा की कसम है और ये तुम्हें याद है यार जी को जो मैंने कॉल करवाई थी उमा से और जो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल पे छोड़ा था सड़क पे और तुम हॉस्पिटल पहुंच गई थी वैसे बेटा मान लो उस दिन तुम्हारी अखीर बेइज्जती हुई थी इतना सब कुछ कहा था तुम्हें सबने लेकिन तुम जैसा बुज़दिल एज यूजुअल भाभी जा तुम्हारे माँ बाप मेरे पीछे ही पड़ गए थे हाँ तो पढ़ना ही था ना मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी बेटी घर नहीं आएगी तो ऐसे ही होना था पागल हो गए अभी तुमने प्रॉमिस किया था आज मेरे साथ बाहर जाओगी I'm really sorry मैं अभी ना पूछ कर आती हूँ बाय 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 और हीरो बड़ी सैरे करके आ रहा थाने की मैंने सुना है बड़े गाने शाने गए तूने वहां पे हैं बकवास अगर मुंह तोड़ दूंगा वो बाद में तोड़ लेना अभी जल्दी से अंदर भागो शाना फूफो तुम्हें ढूंढ रही है दो मिनट में नहीं पहुंचना तो टांगे तोड़ देंगी तुम्हारी हराम है जो एक भी लुकमा ढंग का गया हो मेरे अंदर हाय हाय जमशेद साहब की हो गया है आपको तो ना आपकी अम्मा का गम लेके बैठ गया वो नसाकत भाई को देखो हैं उनकी तो जुत्ती को भी परवाह नहीं है आगा जी भी मुझसे बात नहीं कर रहे हाय जमशेद साहब या तो आप पूरे खानदान वालों के साथ ना कर लें गुफ्तगू या बसा लें अपने बेटे का घर ज्यादती कर रही है आपकी वालदा माजदा साहिबा मेरी तो समझ में नहीं आ रही जब मासूमों को एतराज नहीं है तो बीजान क्यों नाराज हो रही है ये जो नीमा है ना मुझे पूरा यकीन है इसने तवीर डाले बीजान पे दिमाग उलट गया उनका पर आप ना करे परवाह मसूमा इधर आ बै इधर आके समझा जमशेद को है इतनी टेंशन लेके बैठ गया है वैसे मुझे भी बहुत बुरा लगा इफ्तार पर अरे क्या हो गया है बच्चों के चंगे मुस्तकबल के लिए माँ प्यो को ना कौड़ा घूंट भरना पड़ता है और बीजान का क्या कल को सेट हो जाएंगे सही कह रही है वैसे हाँ तो बस हो गया फिर डन है होगी सारी गल्ला बनाओ लिस्टा ते करो शॉपिंग जी अम्मा बुलाया था आपने हाँ पुत्र हो गया ना डन तू पकड़ किंजा को बिठा मोटरसाइकिल पे और ले जा शॉपिंग के लिए चल शाबाश और तुसी कड़ो क्रेडिट कार्ड किथे दो चार दिन ठहर के शॉपिंग ना कर ले हाय दिन रह गए ना पिछे 14 बोतियां गल्ला ना करो ते कड़ो क्रेडिट कार्ड दियो मुंडे नु ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं ये लोग मोटरसाइकिल पे नहीं इंसानों की तरह गाड़ी में लेके जाना समझे चल शाबाश आइसक्रीम भी खिलाना उसको ए यार सब मत खर्च कर देना ये बंदा पिस रहा है पता है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बीजान हमसे खफा क्यों है अरे भाई वो ये चाहती हैं कि हम छोटे हैं लड़की के वालिदैन हैं जमशेद भाई की हर बात सर झुकाकर सुने क्यों दिमाग खराब हो गया हमारा और तो और आगा जान भी साथ मिले में उनके इसलिए दोनों ना मिल मिल के इफ्तारियां करते हैं देखा था आपने भाई बीजान को हमारी पोजीशन क्यों समझ में नहीं आ रही मैं तो कह रही हूँ आपको ये सब के सब अंदर खाते मिले हुए हैं वरना सोचे कभी ऐसे हो सकता है
कि मासूमा आपा इतना बड़ा फैसला कर ले और हमसे बात तक ना करें उसके बारे में। वैसे ये बात मुझे हजम नहीं हो रही, मेरे हाजमे की दवा कहाँ है? अम्मा वो शहरयार कुछ बुक्स लेने के लिए जा रहा है अपने लिए, मैं उसके साथ चली जाऊं? अरसल जाएगा साथ? नहीं वो तो किंजा को शॉपिंग पे लेकर जा रहा है। अच्छा ठीक है तुम जाओ पर जल्दी आ जाना। जी जी मैं आ जाऊंगी, खुदा हाफिज। मैं आपको बता रही हूँ यहाँ तो शादी की तैयारियां चल रही हैं, बीजान को सब पता है। मुझे भी यही लगा। आदमी की दवा दे दो। काश ये दिन देखने से पहले अल्लाह मुझे उठा लेता। ऐसे नहीं कहते, क्या खबर किस्मत में यही लिखा? पता नहीं, एक ही घर में कैसे रहेंगे, इतना बोझ और कीना पाल कर एक दूसरे के खिलाफ। बस अब तुम खुद को तैयार रखो, कुछ भी हो सकता है। बस अरसल मियां आप कहाँ जा रहे हैं? आगा जी अम्मा ने कहा है कि किंजा को शॉपिंग करा लूं तो वहीं जा रहे हैं। जाइए मगर गाड़ी आहिस्ता चलाइएगा। जी ठीक है, खुदा हाफिज। ओके बीजान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मा मरहूमा कहा करती थी, निकाह के दो बोलों में बहुत ताकत है, लेकिन मेरे अरसल और जिया पर तो असर ही नहीं हुआ इसका। आगा जी मैं और जिया जा रहे हैं जरा बाहर तक, इसको अकाउंट्स की बुक्स लेनी है, थोड़ी देर में आते हैं। जी जल्दी आ जाइएगा, शहर के हालात ठीक नहीं है। जी हम जल्दी आ जाएंगे, डोंट वरी। कम लेट्स मूव। वो खुश है और ये दुखी है। बात कहूं मुमताज अगर तुम बुरा ना मानो। मैं तो बुरा मान मान कर भी थक गई हूं। बोलो। जहांगीर का फैसला जेआर और अरसल के निकाह के बारे में कहीं गलत तो नहीं था? क्या मतलब? तुमने अभी जेआर और अरसल के चेहरे पे वो खुशी और इत्मीनान नहीं देखा, ऐसा लगता है जैसे दोनों अपने वालिदैन के फैसलों पर बहुत राजी हों। इसे देख लिया, खुशी देख ली इनने। अब एक वो टेंशन दे दी। सुनो मैं तो ये सोच रही हूँ कि हम अरसल क्या चल रहा है? मामला थोड़ा गंभीर होता जा रहा है। गंभीर होता जा रहा है मतलब शादी हो ही जाएगी अब। हाँ एक तरफ किंजा की शॉपिंग वगैरह शुरू हो चुकी है, शुरू हो चुकी है और मतलब ये मतलब आगा जी और बीजान को भी पता चल चुका है कि ये खुश है। खुश है हाँ, आगा जी ने पता लगा लिया कि वो खुश है, मतलब ये दोनों अलग हो के इतने खुश है तो क्या पता यार अब शादी हो जाए इनकी, क्योंकि वो शॉपिंग पे भी लेकर जा रहा है और खुशी खुशी लेकर जा रहा है, खुशी खुशी लेकर जा रहा है, सारी बातें हो रही हैं, बीजान भी कुछ नहीं बोल रही है, लग रहा है शादी हो ही जाएगी यार अब तो। हाँ मुझे भी वीडियो में तो यही पता चला है अभी तक। हाँ मुझे भी ऐसी लग रहा है। और वो इफ्तारी विफ्तारी की जगह वहाँ पे थोड़ी कॉमेडी थी। हाँ वहाँ बढ़िया था, वहाँ बढ़िया लगा था। और बीजान ने जो जलाल को बोल दिया था यार, वो सही बोल, तुम तो चुप ही रहो, तुम तो चुप ही रहो खान साहब। जलाल और क्या कहते हैं वो बिल्लो बांदरी, उनकी भी यार वो जो है ना नोक जोक वो मतलब सही लगती है जब भी उनकी बातें होती है ना, तो उसका वो हाँ ओए होए उसका वो और क्या कहते हैं उसका तरीका बोलने का बिल्लो बांदरी का हाँ काफी डिफरेंट है यार, मतलब चुन चुन के बंदे लिए हैं और वो चुन चुन के वो अच्छी भी तो लग रही है ना यार। हाँ। वो बात ये है कि हम देख रहे हैं हमें अच्छी लग रही है। हाँ। पसंद आ रही है, ऐसा नहीं है कि फेक कर रहे हैं, जच रहे हैं यार। हाँ। सब जच रहे हैं, सब जच रहे हैं और बढ़िया चल रहा है यार, तो मजा आ रहा है गाइस। आगे देखते हैं अब क्या होता है, क्या स्टोरी बनती है। बिल्कुल, तो नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।